अनुपमा की कहानी में आप देख रहे हैं कि अनुज और अनुपमा पहुंच चुके हैं मुंबई। साथ ही साथ वनराज और काव्या जब इन दोनों के पीछे पीछे आ गए तो अनुपमा को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वनराज अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से वहां पर आया है। यहाँ तक कि वनराज ने इस बात का कन्फेशन अनुपमा के सामने कर भी लिया है कि जब अनुज अनुपमा के साथ होता है तो वनराज को जलन होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब अनुपमा और वनराज के बीच काफी बहस होगी, जिसके साथ ही अनुज पूछेगा अनुपमा से कि तुम 26 सालों से इस आदमी को कैसे झेल रही थी, ही इज सो डोमिनेटिंग। वेल, ये सुनने के बाद अनुपमा कहेगी कि जब तक मैं इस रिश्ते में चुप थी तब तक ये रिश्ता सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे काव्य और वनराज के बारे में पता चला तो सब कुछ अचानक ही बदल गया। मैंने इन दोनों के इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वनराज से दूर हो जाना ही बेहतर समझा, अलग हो जाना ही बेहतर समझा। यहाँ पर अनुपमा अपने पिछले 26 साल के एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं अनुज से शेयर करेगी कि ये 26 साल अनुपमा ने किस तरह अपनी फैमिली की सेवा करते करते गुजार दिए, अपने सबसे पहले अपने माँ बाप भाई की, उसके बाद वनराज और उसके माता पिता की, उसके बाद अपने बच्चों की, हर किसी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा है अनुपमा ने। लेकिन अब जब वक्त बदल गया है तो अनुपमा को समझ में आया कि उसे खुद पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अनुपमा वो करेगी जो उसका मन करेगा। ये सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाएगा अनुज और सोचने लगेगा कि जितना सफ़र इन 26 सालों में अनुपमा की याद में अनुज ने किया है, उतना ही सफ़र कहीं ना कहीं अनुपमा ने भी किया है, लेकिन उसने उसे हंसते हंसते कबूल किया। वेल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अनुपमा और अनुज के बीच जो ये बॉन्ड गहराता जा रहा है, क्या वो रिश्ता और आगे बढ़ पाएगा, क्या अनुपमा अनुज के साथ अपने रिश्ते को एक चांस देगी। जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी है सीरियल अनुपमा के इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।